हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET MVC के अंदर, वो है कैसे हमने जो डेटा है वो SQL सर्वर से रिट्रीव करना है एज ए डेटा सेट, और उसी डेटा सेट को हमने कंट्रोलर से व्यू को पास करना है, और बाद में उस व्यू के थ्रू जो डेटा सेट के अंदर डेटा है उसको जो है डिस्प्ले करवाना है टेबल की फॉर्म के अंदर। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये वाली जो रिक्वेस्ट है हमें हमारे ही किसी चैनल के मेंबर ने हमें ईमेल करके रिक्वेस्ट की थी कि कुछ इस तरीके की एग्जाम्पल आप डेवलप करना बताएं, जिसमें हम जो है डेटा को जो है कंट्रोलर से डायरेक्टली व्यू को भेज सकें एज ए डेटा सेट। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जाम्पल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, उसके बाद में आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर MVC के थ्रू जो है डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हेडिंग से आपको पता चल ही गया होगा कि ये वाली जो एग्जांपल है किस टॉपिक के रिलेटेड है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारा डेटा जो है एक टेबल की फॉर्म के अंदर जो है डिस्प्ले हुआ है। ये बेसिकली एक डेटा सेट है जो हमने कंट्रोलर से व्यू को पास किया है, और इस डेटा सेट को हमने लूपिंग के थ्रू जो है डिस्प्ले करवाया है टेबल की फॉर्म के अंदर। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर मेरे पास जो टेबल अवेलेबल है इसी का डेटा हमने एज ए डेटा सेट कैप्चर किया था कंट्रोलर के अंदर, और उसी डेटा को हमने एज ए डेटा सेट व्यू को पास किया है, और व्यू के थ्रू इसको जो है डिस्प्ले करवाया है। तो चलिए, इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो हमने डेवलप कैसे करनी है वो आज हम सीखेंगे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करूंगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल, अब हमने न्यू पे क्लिक करना है, अब हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट। तो चलिए, यहाँ से प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपने इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सबसे पहले सिलेक्ट करना है ASP.NET MT वेबसाइट वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपने जो वेब एप्लीकेशन का नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास डेटा सेट कंट्रोलर टू व्यू 1 2। तो चलिए, यहाँ पे आपने फोल्डर का पाथ प्रोवाइड करना है जिसके अंदर आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड होगा वो सेव होगा। तो अब हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, तो फ्रेंड स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक नया डायलॉग बॉक्स आ चुका है। अब हमने इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सबसे पहले सिलेक्ट करना है MT, उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्ट करना है MVC, और उसके बाद में डायरेक्टली ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए फ्रेंड स्टूडेंट, जैसे ही हमने यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है इसके अंदर प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं वो बन चुकी हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंट्रोलर वाला फोल्डर भी आ चुका है, मॉडल भी आ चुका है, व्यू भी आ चुका है, और एक पूरी जो स्ट्रक्चर है मॉडल व्यू कंट्रोलर की वो यहाँ पे जो है एक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर प्रोजेक्ट के रिलेटेड बन चुकी है। तो इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमने करना क्या है, एक कंट्रोलर को ऐड करेंगे ताकि हम जो डेटा है वो एसक्यूएल सर्वर से रिट्रीव कर पाएँ और उसको एज ए डेटा सेट के अंदर जो है कैप्चर करवा पाएँ। तो चलिए, कंट्रोलर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे कंट्रोलर्स फोल्डर के ऊपर, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक नया कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर में सबसे पहले डायलॉग बॉक्स में हम सिलेक्ट करेंगे MVC 5 कंट्रोलर MT ऑप्शन, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे कंट्रोलर का नेम प्रोवाइड करना है, मगर एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो कंट्रोलर का नेम है उसके लास्ट में कंट्रोलर आपने लगा रहने देना है, और इसका जो प्रीफिक्स है आप कोई भी नेम रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो प्रीफिक्स के अंदर इसका नेम जो रखा है एक्चुअल में वो है होम, और इसके साथ में कंट्रोलर हमने लगा रहने देना है ताकि हमारा जो रेजर व्यू इंजन है वो समझ पाए कि ये जो है कंट्रोलर है। तो चलिए, इसको ऐड कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमारे पास यहाँ पे जो कंट्रोलर है उसका जो बेसिक जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे आ चुका है, कोड ऑटोमेटिकली जो है फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हो चुका है। अब हमने इसको जो है अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो कोडिंग है वो हमने पहले से कर रखी है। ये कोडिंग आपको हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है गूगल ड्राइव का एक शेयर्ड लिंक होगा उसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे। आप इजीली उस गूगल ड्राइव के शेयर्ड लिंक के थ्रू इस कोड को जो है
डाउनलोड कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टली, और आप अपने अकॉर्डिंगली इसको जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं समझ के। तो अभी मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ कि हर एक कोड की जो है वर्किंग क्या है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, कंट्रोलर के अंदर दो नेम स्पेसिस को यूज़ करना है। तो ये दो नेम स्पेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम स्पेसिस हैं। तो सबसे पहले इनको डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद में हमने यहाँ पे जो ये वाली कोडिंग है ये बेसिकली एक्शन मेथड जो है हमारा इंडेक्स नाम का उसके अंदर हमने करनी है। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो इंडेक्स नाम का जो एक्शन मेथड है वो यहाँ पे बन चुका है, और इसके अंदर हमने ये कोडिंग करनी है। तो इस कोडिंग को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको जो है डिलीट कर देता हूँ लास्ट वाली लाइन को, रिटर्न वाली लाइन को, क्योंकि पहले से हमने जो रिटर्न व्यू को डेटा सेट है वो पास करने के लिए एक लाइन की कोडिंग जो है यहाँ पे कर दी है। अब हमने कोडिंग के अंदर किया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक कनेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे डेटा सोर्स प्रोवाइड किया, अपने एसक्यूएल सर्वर का नेम लिखा है, आपने अपने सर्वर का नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में हमने यहाँ पे जो डेटाबेस का नेम है वो लिखा है, और उसके बाद में क्वेरी को यूज़ किया है ताकि हम स्टूडेंट डेटा नाम का जो टेबल है उससे सारा डेटा जो है वो रिट्रीव कर पाएँ। तो चलिए एक बार मैं आपको एसक्यूएल सर्वर के अंदर दिखा देता हूँ कि टेबल का जो डिज़ाइन है वो किस तरीके का है, ताकि आप जो डेटा हमारे पास रिट्रीव होना है उसके बारे में समझ पाएँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो मेरे पास इंस्टॉल है। अगर आप एसक्यूएल सर्वर के साथ ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस के थ्रू काम करना चाहते हैं ताकि आप डेटाबेस के रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं वो माउस की हेल्प के साथ परफॉर्म कर पाएँ, आपके लिए इजी रहे, तो आपके लिए जो मैनेजमेंट स्टूडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप भी अपने पीसी और लैपटॉप के ऊपर जो मैनेजमेंट स्टूडियो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे सर्वर का जो नेम है वो लिखा आ चुका है। यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन हमने यूज़ करनी है वो है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, इसके साथ कनेक्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे देख पा रहे हैं सर्वर के साथ कनेक्टिविटी हो चुकी है। जो डेटाबेसिस के अंदर डेटाबेस आज के एग्जांपल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो है कॉलेज डेटा, और इसके अंदर जो हमने टेबल यूज़ किया है वो है स्टूडेंट डेटा। तो इस स्टूडेंट डेटा का जो डिज़ाइन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डिज़ाइन काफ़ी ईजी और सिंपल है। यहाँ पर हमने चार कॉलम यूज़ किए हैं, एक है रोल नंबर, एक है एस नेम स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, और यहाँ पर जो रोल नंबर है उसको हमने प्राइमरी की सेट किया हुआ है ताकि इसकी जो वैल्यू है वो यूनिक रहे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जो डेटा टाइप है वो किस तरीके का है। ये अगर आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसका जो डेटा टाइप है और इसका जो डिज़ाइन है वो कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए इस तरीके का टेबल आपने क्रिएट कर लेना है, और इस टेबल के अंदर जो डेटा ऑलरेडी हमने एंटर करके रखा है वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी रोज़ जो हैं पहले से ही एंटर करवा के रखी हुई हैं इस टेबल के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है अपनी क्वेरी यूज़ की है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, उसके बाद में एसक्यूएल कनेक्शन यूज़ किया है, एसक्यूएल कमांड यूज़ की है, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर यूज़ किया है, डेटा सेट यूज़ किया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने डेटा अडेप्टर के थ्रू जो है डेटा सेट को फिल करवाया है, इसके ऑब्जेक्ट को फिल करवाया है, और ये वाला जो डेटा सेट है ये बेसिकली हमने व्यू को रिटर्न किया है। तो व्यू अभी हमने क्रिएट नहीं किया, तो व्यू हम बेसिकली अब क्रिएट करेंगे। तो चलिए व्यू क्रिएट करने के लिए हमने इस इंडेक्स नेम के ऊपर राइट क्लिक करना है माउस की हेल्प के साथ। तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं माउस की हेल्प के साथ और ऐड करते हैं व्यू। तो यहाँ पे हमने जो व्यू का नेम है वो इंडेक्स ही रहने देना है, यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को चेंज नहीं करना है, और सिंपली यहाँ पे जो यूज़ ए लेआउट वाली ऑप्शन है इसको डिसेबल करना है क्योंकि हम लेआउट को यूज़ नहीं करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की एग्जांपल के अंदर। इसको ऐड कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी जो बेसिक कोडिंग है व्यू के रिलेटेड वो यहाँ पे बन चुकी है। आगे हमने कोडिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने दो यहाँ पे रेजर व्यू सिंटैक्स यूज़ करके जो है यहाँ पे डेक्लरेशन करनी है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पहले ही तो हमने जो है सिस्टम डॉट डेटा वाली जो नेम स्पेस है उसको यहाँ पे एम्बेड करना है, उसके बाद में मॉडल के रिलेटेड जो डेटा सेट हम रिट्रीव करेंगे उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, उसके बाद में जो हमने कोडिंग करनी है वो करनी है यहाँ पे बॉडी के अंदर। तो बॉडी वाली कोडिंग को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, बॉडी के अंदर जितनी भी कोडिंग है इसको कॉपी करने के बाद बॉडी के अंदर यहाँ पे जितनी भी कोडिंग है इसको डिलीट कर देते हैं और अपनी नई कोडिंग को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो हमारी जो नई कोडिंग है वो काफ़ी ईजी है।
तो कोडिंग हमने करनी कैसे है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सॉरी बॉडी के अंदर हमने इसको कॉपी पेस्ट करना था, इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको बॉडी के अंदर, बॉडी का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमने पेस्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने H1 टैग यूज़ किया, उसके अंदर हमने लिखा है हरिति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए हमने यूज़ किया है, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में हम जो सारा एग्जाम्पल है, सारी एग्जाम्पल है, वो लाइव प्रोजेक्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि आपके जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है, जो कंसेप्ट की नॉलेज है, वो और भी इम्प्रूव हो और भी इंक्रीज हो। हम आपको हर एक एग्जाम्पल के साथ सारा सोर्स कोड भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि पहली बार प्रोजेक्ट को डेवलप करने में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। इन केस कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन या फिर हमें डिटेल में ईमेल के थ्रू बता सकते हैं, ताकि हम उसका जो सोल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएं। इन केस आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया घूम रहा है जिसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो वो आइडिया भी हमारे साथ शेयर कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे उस आइडिया को भी इंप्लीमेंट करके एज ए वीडियो ट्यूटोरियल इस चैनल के ऊपर अपलोड कर पाएं, ताकि वो आपके लिए और बाकी सभी मेंबर्स के लिए हेल्पफुल रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमने जो है रेड कलर के अंदर यहाँ पे H4 टैग को यूज़ करके यहाँ पे प्रोजेक्ट का हेडिंग लिखा है, उसके बाद में DIV टैग यूज़ किया है, उसके बाद में टेबल यहाँ पे हमने डिक्लेयर करने के लिए एक टेबल टैग यूज़ किया है, उसका बॉर्डर जो है 1 लिखा है, ताकि बॉर्डर लाइन थिक हो और देखने में ये टेबल जो है वो अच्छा लगे। उसके बाद में हमने बैकग्राउंड कलर के लिए येलो कलर सेलेक्ट किया है और एक टेबल रो क्रिएट किया है। इस टेबल रो के अंदर हमने टेबल हेडिंग के अंदर अपने जो कॉलम के नेम थे, जो भी हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल था, उसके जो कॉलम के नेम है वही नेम हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने प्रॉपरली जो है नेम लिखे हुए हैं हर एक कॉलम के। ये वाले जो नेम ऊपर आप देख रहे हैं बोल्ड में, ये बेसिकली TH टैग की हेल्प के साथ ही डिस्प्ले किए हुए हैं। उसके बाद में हमने एक और फॉर ईच लूप यूज़ किया है, ताकि हम हर एक डेटा रो जो कि हमारे डेटा सेट के अंदर अवेलेबल है, जो डेटा सेट हमारे पास कंट्रोलर से व्यू को रिटर्न हुआ है, उसकी हर एक रो को हमने इटरेट करना है। कहने का मतलब हर एक रो को असेस करना है 1 बाय 1, और इस रो के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज़ को TD टैग की हेल्प के साथ डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे जो एट द रेट आप देख रहे हैं, ये बेसिकली रेजर व्यू सिंटैक्स का एक फॉर्मेट है, जिससे रेजर व्यू इंजन समझ पाए कि ये बेसिकली प्रोग्रामिंग है, नॉट के HTML नहीं है। तो यहाँ पे हमने कोडिंग के लिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हर एक रो का कॉलम जो है वो असेस किया और उसको टेबल डेटा की फॉर्म में जो है TD टैग के साथ जो है डिस्प्ले करवाया है। और लास्ट में हमने टेबल टैग को क्लोज कर दिया है, DIV टैग को क्लोज कर दिया है, बॉडी टैग को क्लोज कर दिया है, HTML टैग को क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी जो व्यू की कोडिंग है वो हो चुकी है। तो मेन कोडिंग यही है कि हमने हर एक रो को जो है फॉर ईच की हेल्प के साथ इटरेट करवाना है डेटा सेट के अंदर, और उसकी हर एक कॉलम को हमने टेबल डेटा के रूप में डिस्प्ले करवाना है, बस इतनी सी बात है। अब हमारे पास यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐप स्टार्ट के अंदर रूट कॉन्फ़िग नाम की फाइल है, जिसके अंदर हमने पहले से ही डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर दिया हुआ है होम, और डिफ़ॉल्ट जो एक्शन मेथड है वो इंडेक्स पहले से ही दिया हुआ है, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे हमारी कोडिंग हो चुकी है, कंट्रोलर बन चुका है, यहाँ पे कंट्रोलर की कोडिंग कर दी है, यहाँ पे व्यू भी हमारे पास तैयार है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को जो है वो रन कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे इसकी जो आउटपुट है, अब हम देखेंगे क्या हमारा डेटा जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो डेटा है वो प्रॉपरली रिट्रीव होने के बाद एज ए डेटा सेट से एज ए टेबल की फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आपने आज सीखा कि कैसे डेटा सेट को कंट्रोलर से व्यू को पास करवाना है। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ उस मेरे मेंबर का, जिसने ये वाली जो एग्जाम्पल है हमें सुजेस्ट की, हमें आइडिया भेजा और इसको इम्प्लीमेंट करके एज ए वीडियो ट्यूटोरियल इस चैनल के ऊपर अपलोड कर पाएँ। और मैं आशा करता हूँ ये सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इसी तरीके से आप ही अपने आइडिया जो हमारे साथ शेयर करते रहिए। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जाम्पल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो किसी फ्रेंड या स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू शेयर कर दें। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपना प्यार जो है चैनल के साथ बनाए रखिए, अपनी फीडबैक हमें देते रहिए, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, वीडियोज़ को शेयर करते रहिए।
थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।